स्टार्ट. मिस्टर एम एल वर्मा द लर्नेड सीनियर ॲडव्होकेट प्रायमरीली मेड फॉलोविंग थ्री फोल्ड सबमिशन्स बिफोर अस. हिज फर्स्ट सबमिशन वॉज दॅट द इंटरेस्ट विच वॉज पेएबल पर्स्युएंट टू द ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट ऑन द एक्स्ट्रा अमाऊंट टेकन अँड रिसिव्ड बाय द रिस्पॉन्डंट इन टर्म्स ऑफ द इंटेरिम ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट इज पेएबल टिल द डेट व्हेन एक्स्ट्रा मनी टेकन बाय द रिस्पॉन्डंट वॉज रिफंडेड बट इन्स्टीड द रिस्पॉन्डंट कोल कंपनी हॅज कम्प्युटेड द सेड इंटरेस्ट ओनली टिल 34/2008 अँड नॉट टिल 28/6/2008 व्हेन द अफोरसेड एक्स्ट्रा मनी टेकन बाय देम वॉज ॲक्च्युअली रिफंडेड. हिज सेकंड सबमिशन वॉज दॅट द रिस्पॉन्डंट कंपनी हॅज ऑल्सो नॉट पेड टू द ॲप्लिकंट्स द एंटायर इंटरेस्ट दॅट ॲक्च्युअली अक्रूड ऑन द फिक्स्ड डिपॉझिट रिसिप्ट विच वॉज डिपॉझिटेड ऑन द अकाउंट ऑफ द ॲप्लिकंट्स. इट इज नेक्स्ट सबमिटेड बाय हिम दॅट द रिट पिटिशन ऑफ द ॲप्लिकंट्स रजिस्टर्ड ॲज रिट पिटिशन नंबर 6629/2005 इज स्टील पेंडिंग डिस्पोजल इन द हायकोर्ट ऑफ ज्युडिकेचर बॉम्बे. नागपूर बेंच अँड द सेड हायकोर्ट डीड नॉट टेक अप द रिट पिटिशन फॉर फायनल डिस्पोजल ॲज द इश्यू विथ रिगार्ड टू एक्सेस अमाऊंट ओवर अँड अबव नोटिफाईड प्राईस पेड प्रिओर टू पासिंग ऑफ द ऑर्डर डेटेड 4/7/2005 दॅट इज फ्रॉम द डेट ऑन विच ई ऑक्शन स्कीम केम टू द एक्झिस्टन्स इज पेंडिंग कन्सिडरेशन बिफोर दिस कोर्ट. ही फर्दर सबमिटेड दॅट सिन्स नाऊ दिस कोर्ट हॅज डिस्पोज्ड ऑफ द सेड इश्यू देअर शुड बी अ डायरेक्शन टू द कन्सर्न हायकोर्ट टू डिस्पोज ऑफ द अफोरसेड रिट पिटिशन ॲज एक्सपेडिटियसली ॲज पॉसिबल. पॅरा मिस्टर अनूप मिश्रा द लर्नेड काउन्सिल अपियरिंग फॉर द कोल कंपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज सबमिशन सबमिटेड दॅट दे हॅव पेड द अमाऊंट विच बिकेम रिफंडेबल टू ऑल द क्लेमंट्स हू आर एंटायटल्ड टू रिसीव इट इन्क्लुझिव्ह ऑफ इंटरेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉझिट कॅल्क्युलेटेड अप टू 34/2008 ॲज द फिक्स्ड डिपॉझिट रिसिप्ट्स वर टाईम बाउंड अँड देअरफोर अ फिक्स्ड डेट वॉज टेकन फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ द इंटरेस्ट विच वॉज 34/2008. ही अल्सो सबमिटेड दॅट वॉट एवर इंटरेस्ट इज ड्यू अँड पेएबल टू द ॲप्लिकंट्स हॅव ऑलरेडी बीन पेड व्हाईल रिफंडिंग द अमाऊंट ड्यू अँड पेएबल टू द ॲप्लिकंट्स. ही फर्दर सबमिटेड दॅट द कोल कंपनी हॅज नो ऑब्जेक्शन इफ अ डायरेक्शन इज इश्यूड टू द बॉम्बे हायकोर्ट नागपूर बेंच फॉर अर्ली डिस्पोजल ऑफ द अफोरसेड रिट पिटिशन. अकॉर्डिंग टू हिम द इश्यूज रेस्ड इन द सेड रिट पिटिशन वूड नाव बी गव्हर्न्ड अँड कवर्ड बाय द डिसिजन ऑफ दिस कोर्ट. पॅरा व्हाईल कन्सिडरिंग द अफोरसेड सबमिशन्स इन द लाईट ऑफ द प्लिडिंग्स ऑफ द पार्टीज वी फाईंड दॅट द एरिया ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी अँड द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज ॲज हायलाइटेड इन द प्रेझेंट ॲप्लिकेशन लाय इन अ व्हेरी नॅरो कंपास फॉर ड्युरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्युमेंट्स मिस्टर मिश्रा लर्नेड काउन्सिल फॉर द रिस्पॉन्डंट कोल company has fairly stated that the coal company cannot have any objection to pay the interest accrued on the amount payable to be computed up to 28/6/2008 when the amount came to be actually refunded to the applicants. Over.